दोस्तों, आपका हमारे करंट अफेयर्स मंत्री चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स मिनी सीरीज के तहत 7 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं उनको कवर करेंगे। सवाल पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि स्थल ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं, उनके समाधि स्थल का नाम क्या है? उनके समाधि स्थल का नाम है दोस्तों चैत्यभूमि, जो कि दादर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अभी उनका जो 64वां निवारण दिवस के ऊपर मोदी जी ने उनको याद किया था, इसलिए चर्चा में आ गया था। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर 2000 में एक फिल्म भी बनी हुई थी, उसके थे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश हैज साइंड इट्स फर्स्ट पीटीए विथ विच कंट्री, या पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, भूटान के साथ में साइन किया है। काफी ज्यादा न्यूज में है ये बांग्लादेश भूटान जो है, आपको ध्यान रखना है इस रिलेटेड फैक्ट को। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। विच लैंग्वेज फिल्म जल्लीकट्टू डायरेक्टेड बाय लिजो जोस पेलिसरी इज इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर द 93rd अकेडमी अवार्ड 2020। जो मलयालम जो रीजनल सिनेमा की जो फिल्म है जल्लीकट्टू, उसके जो डायरेक्टर है वो लिजो जोस पेलिसरी, पूछ सकता है एग्जामिनर्स को भी। वो भारत की ऑफिशियल एंट्री है जो 93rd अकेडमी अवार्ड उसके लिए। नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, रिसेंट बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। जो अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य है? दोस्तों वो है आवामी लीग की। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, विच रीजनल सिनेमा वेटरन एक्टर मनु मुखर्जी पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट 90। दोस्तों जो एक्टर मनु मुखर्जी थे वो बंगाली सिनेमा के से बिलोंग करते थे, वो वहां पे एक्टिंग किया। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, जनरल रवि पटवर्धन डाइड फॉलोइंग ए मैसिव हार्ट अटैक, ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। दोस्तों जो वेटरन रवि पटवर्धन जी थे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे एक्टर के तौर पे। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। दोस्तों रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है जैसा कि आप सभी जानते हैं। सवाल नंबर 8 है, टेम्पल इज लोकेटेड ऑन विच इंडियन स्टेट। दोस्तों जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, जो उड़ीसा में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर इस सवाल को। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। हु इज द करंट सीईओ ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि पुणे बेस्ड है, उसका जो अभी सीईओ है वो है आदर पूनावाला। काफी ज्यादा न्यूज में है, कोरोना की दवाई बना के अप्रूवल लेने के मामले में है, उनमें न्यूज में आता रहता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो पूछा जा सकता है आपको इसका जो सीईओ है वो। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो अभी अभी अध्यक्ष जो है वो है बीपी शर्मा जी। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो है 2016 में बनाया गया था। इसका जो काम है वो है स्टेट ओन्ड जो बैंक है, जो पीएसबी है, और जो जो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके जो हेड है, उनके जो टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं, जो ऊंचे पद होते हैं उनके लिए जो है अपॉइंटमेंट जो है वो ये रिकमेंड करता है दोस्तों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखने की जरूरत है आपको इसको। सवाल नंबर 11 पे, सवाल नंबर 11 है, ट्रबल्ड ब्लड इज ए फेमस नॉवेल बाय। ट्रबल्ड ब्लड है क्योंकि जो है वो जेके रोलिंग का एक फेमस नॉवेल है। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 है, रिसेंटली रिलीज बुक जुगलबंदी इज ऑथर्ड बाय होम। अभी हाल ही में जुगलबंदी जो किताब है वो रिलीज हुई है, इसको किसने ऑथर, इसके जो राइटर है वो कौन है? दोस्तों इसके जो राइटर है वो है विनय सीतापति। दोस्तों हमारा जो सीरीज का इस करंट अफेयर्स डेली सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हम टर्म फैक्ट्स जो है वो है सीपीसीबी, जिस जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नर, जो महाराष्ट्र गवर्नर वो भी भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एनटीसीए का प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या एनटीसीए है वो प्रोजेक्ट टाइगर की जो ये इसका जो साल है कौन से साल में स्टार्ट किया, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट नंबर 4 है, पी फिजर बायोएनटेक्स कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, जो कि अभी जैसे कि आपको पता है दुनिया में यूके जो है वो पहला देश बन गया कोरोना वैक्सीन अप्रूव करने वाला। तो इस दवाई का नाम है BNT162B2। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उसका जो कॉस्ट है वो है 971 करोड़ रुपए होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, यूएन के जो चीफ है उनका नाम है इसमें एंटोनियो गुटेरेस।
दोस्तों पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। हायाबुसा 2 जो एस्टेरॉयड है वो है जापानीज स्पेस एजेंसी है जाक्सा उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। WHO जो काफी ज्यादा न्यूज में है कोरोना वायरस की वजह से, उसके चीफ जो है वो टेड्रोस एडानोम गेब्रेसस, और इसका जो WHO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है WHO फिलहाल बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से। पॉइंट नंबर 11 जो है वो TREDS प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs। TREDS का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये MSMEs के लिए यूजफुल प्लेटफॉर्म है इसलिए न्यूज में है। दोस्तों पॉइंट नंबर जो 12 है वो है RXIL वाज सेटअप बाय NSE एंड SIDBI इन 2016। तो दोस्तों यहाँ पे RXIL का फुल फॉर्म है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, SIDBI का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो है ये सीरीज का जो है 7 दिसंबर का करंट अफेयर्स खत्म होता है। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी अगले वीडियो के साथ में आपके सामने अपेयर होंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।